सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा टॉपिक हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, तो द्वंद्व समास में पहला इतरेतर द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, इस समास में दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक पद शेष रहता है। कब रहता है? यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद हैं तो पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। जो हमने पहले पढ़ा था इतरेतर द्वंद्व समास, उसमें तो क्या था कि यानी कि दो पद थे, उन दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व रहता था, ठीक है। और इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक पद ही शेष रहता है, जो समस्त पद होता है। तो उसमें तो क्या, जैसे कि राम लक्ष्मणौ था, राम लक्ष्मणौ समस्त पद में। और इसमें क्या रहेगा, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, केवल एक पद, यानी कि इसमें दो पद छिपे हुए हैं लेकिन केवल एक पद शेष रहेगा, और वो भी कैसा रहेगा, पुल्लिंग का रहेगा। यहाँ जैसे देखो पितरौ है, ठीक है। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद हैं, यानी कि जब विग्रह करेंगे समस्त पद से, जब हम विग्रह करेंगे समास का, तो उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के पद हैं, तो के पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। यथा जैसे समस्त पद देखो पितरौ, क्या है पितरौ। अब इसमें बेटा देखो माता और पिता दोनों हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं, किंतु देखो इसमें केवल और केवल पुल्लिंग शेष रहा है, इसीलिए इसे कौन सा समास कहेंगे, एक शेष द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। जो इतरेतर आता है उसमें दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व होता है, तो इतरेतर में इसी पितरौ का एग्जाम्पल होता माता पिता, माता पिता, ठीक है। और अब ये चूंकि एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण बना हुआ है, इसलिए ये इसका समस्त पद है पितरौ, ठीक है। अब इसका विग्रह हो जाएगा माता चे पिता चे, यानी माता और पिता। अगला है भ्रातरौ, यानी कि भ्राता चे श्वेसा चे, भ्राता चे स्वैसा चे, भ्राता चे स्वैसा चे, ठीक है। भाई और भाई, भ्राता चे स्वैसा चे, ठीक है। शौसुरो, सास चे ससुर चे, तो इसमें हो जाएगा सौसुरुचे, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये कौन से समास के उदाहरण हुए, एक शेष द्वंद्व समास के। जैसे कि उसमें हमने किया राम लक्ष्मणौ, ठीक है, या फिर जैसे इसका एक ही उदाहरण और है रामौ, तो हो जाएगा रामे चे सीता चे, राम और चीता सीता, ठीक है। रामश्च, या फिर इसको ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रामश्च सीता चे, ठीक है, रामश्च सीता चे, राम और सीता। अब इस देखो इस समस्त पद में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों सब छुपे हुए हैं, लेकिन केवल पुल्लिंग ही यहाँ पर शेष है समस्त पद में, इसलिए इसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। अगला तीसरा आता है हमारा समाहार द्वंद्व समास। कौन सा आ रहा है, समाहार द्वंद्व समास। इस समास में आए हुए पद अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ समाहार का भी बोध कराते हैं, तथा समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचनांत होता है। इस पद में आए हुए यानी कि पद अपने अपने अर्थ का बोध भी कराते हैं और इसके साथ ही समाहार का भी बोध
चकार आते हैं, और इसका जो समस्त पद होता है वो कैसा होता है, एक यानी कि नपुंसकलिंग एक वचन का होता है। यथा जैसे समस्त पद देखो पाणी पादम, समस्त पद कैसा है पाणी पादम। अब ये देखो जो समस्त पद है ये नपुंसकलिंग एक वचन का है, समस्त पद कैसा है नपुंसकलिंग एक वचन का, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया है पाणी पादम, नपुंसकलिंग एक वचन का हो गया। अब इसका विग्रह हो जाएगा पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, तेषां समाहारः। पाणी और पादौ यानी पैर, पाणी यानी हाथ और पैर, इन सबका क्या समाहार यानी कि समूह। वाक् त्वचम, वाक् त्वचम यानी वाक् च, वाक् च त्वक् च, त्वक् च तेषां समाहारः, तेषां समाहारः, ठीक है। उसके बाद है छत्रोपानहम, छत्रस्य छत्रस्य उपानहस्य च, छत्रस्य उपानहस्य तेषां समाहारः। उसके बाद है शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम सिर और ग्रीवा यानी कि इसका विग्रह हो जाएगा शिरश्च गिर्वाश्च तेषां समाहारः, यानी कि तेषां, तेषां नहीं आएगा बेटा इसमें, सिर और गिरवा ये दोनों हैं, ठीक है ना, सिर एक और एक गिरवा दो हो गए, इसलिए इसमें आ जाएगा अनयो यानी इन दोनों का, अनयो षष्ठी द्विवचन में क्या आ जाएगा अनयो, इन दोनों का क्या समाहार है यानी सम, ठीक है। सिर और गिरवा इन दोनों का क्या समाहार है, इसलिए ये जो समस्त पद है ये समाहार द्वंद समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। द्वंद समास में इतरेतर द्वंद समास, एकशेष द्वंद समास, समाहार द्वंद समास, ये तीनों यानी कि भेद इसके कंप्लीट हो गए हैं। इस प्रकार से इसी के साथ हमारा द्वंद समास का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और समास का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।